स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का नया और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट अपनी तीसरी चरण में सफल लैंडिंग के बाद ध्वस्त हो गया। लैंडिंग के कुछ देर बाद रॉकेट में विस्फोट हो गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने स्पेसएक्स को खाक कर दिया। बुधवार को अमेरिका के टेक्सास स्थित बोका चिका में SN10 को शाम 5:15 पर लॉन्च किया गया था, जिसके साथ ही SN10 6 मील की ऊंचाई तक गया। दो प्रयासों के बाद तीसरी बार में सफल लैंडिंग हुई, जिसकी लाइव कवरेज नासा के यूट्यूब चैनल पर दिखाई जा रही थी। ये अवसर एलोन मस्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन रॉकेट के विस्फोट के बावजूद एलोन मस्क ने ट्वीट कर स्पेसएक्स की टीम के शानदार काम को सराहना दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्पेसएक्स का स्टारशिप SN9 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब फिर से मिली नाकामयाबी अमेरिका के मंगल मिशन में देरी कर सकती है। दरअसल इस साल के अंत तक अंतरिक्ष में विश्व के पहले ऑल सिविलियन मिशन यानी नागरिक को भेजने की योजना है। इंस्पिरेशन फॉर इस अभियान का संचालन एक चैरिटी के माध्यम से हो रहा है, जिसका नियंत्रण उद्योगपति जेरेट इसाकमैन के हाथों में है। जेरेट इस मिशन को लेकर काफी उत्साहित है। मिशन के दौरान ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी की परिक्रमा इस अद्भुत मिशन का हिस्सा होगी। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।